नमस्ते एवरीवन, मैं मिसेज पूजा नरवाल आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम ट्रेंड में चले हुए कटवर्क सलवार मोहरी डिजाइन को बनाना सीखेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहां पर 3 इंच चौड़ी और अपने पोंचे के जो लंबाई के अकॉर्डिंग यानी कि 2.5 इंच लंबे एक फोम की पट्टी ली है और इस पर डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 2 इंच लंबा और 1.5 इंच चौड़ा एक ट्रायंगल टुकड़ा काट लिया है। अब हम इस टुकड़े से इस जो पट्टी है इस पर डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। डिजाइन ड्रॉ हो जाने के बाद अब हमने जहाँ पर निशान लगाए हैं वहाँ से इसको कट कर लेंगे। यह देखिए हमने कटिंग कर ली है, अब हम इसे एक कपड़े पर अटैच कर लेंगे। यह देखिए हमने इसे कपड़े पर अटैच कर लिया है। अब हम अपनी सलवार को लेंगे जहाँ पर हमने यह डिजाइन बनाना है, इसके लिए हम अपनी इसे सलवार की सीधी साइड रखेंगे। यह देखिए हम सलवार को सीधा रखेंगे और अपने डिजाइन को इसके ऊपर रखेंगे। अब इस डिजाइन को बनाने से पहले हम इसे पिन की सहायता से अपनी सलवार की मोहरी पर फिक्स कर लेंगे ताकि जब हम डिजाइन बनाएं तो हमारा डिजाइन इधर उधर न जाए। यह देखिए हमने इसे पिन से अटैच कर लिया है और इसे उल्टा करके भी देखेंगे कि कहीं इसमें झोल नहीं है। अब हम इसकी किनारी पर से इसे पक्की सिलाई लगाते हुए अपनी सलवार से अटैच कर लेंगे। यह देखिए हमने इसे अपनी सलवार की मोहरी पर अटैच कर लिया है। अब हम एक पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। और इसमें जितने भी कट आए हैं उसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे और पिन को निकाल लेंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे। यह देखिए अब यह सीधी हो गई है। अब हम इसकी किनारी किनारी से पक्की सिलाई लगा देंगे। यह देखिए हमारी किनारी पर सिलाई लग गई है। अब हम हमारी पोंचे की दूसरी साइड की जो किनारी है वहाँ भी पक्की सिलाई से इसे अपनी सलवार पर फिक्स कर लेंगे। यह देखिए हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम एक पाँव का मार्जिन देते हुए एक और सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। यह देखिए हमने यहाँ ऊपर की साइड 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम नीचे हमारे कटवर पर भी एक पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए एक और सिलाई लगा लेंगे। यह देखिए हमने अपने सलवार मोहरी के दोनों साइड एक एक पाँव का मार्जिन देते हुए सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम इस खाली लगी हुई सिलाई के अंदर जिगजैग पैटर्न को करेंगे। यह देखिए नीचे की साइड हमने जिगजैग पैटर्न से इसे फिल कर लिया है। अब हम ऊपर की साइड भी जिगजैग पैटर्न से इसको फिल कर लेंगे। अब हम हमारा जो खाली स्पेस बचा है इसके अंदर तिरछी सिलाइयाँ लगाएंगे। यह देखिए आप चाहें तो पहले पैटर्न ड्रॉ कर लें या फिर आप अपनी मशीन के एक एक पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर तिरछी सिलाइयाँ लगा लें।
यह देखिए मैंने एक बॉक्स कंप्लीट कर लिया है, अब मैं सभी बॉक्स को ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। यह देखिए हमने सभी बॉक्स में तिरछी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम अपने बॉक्सेस बनाने के लिए इसमें दूसरी साइड से तिरछी सिलाइयाँ लगाएंगे। इसके लिए आप चाहें तो पैटर्न ड्रॉ कर लें या फिर आप एक एक पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर बॉक्सेस बना लें। यह देखिए मैंने एक में बॉक्सेस कंप्लीट कर लिए हैं, अब मैं सभी में यह पैटर्न पूरा कर लूँगी। यह देखिए हमारा सलवार का जो पोंचा है वो बनकर तैयार है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।